हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ समय बाद हमारे यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, कुछ समय बाद यानी नेक्स्ट वीक में हो सकते हैं आपके। तो उसमें जो आपका मैथ्स में जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यूनिट टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ही होगा। उसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनके प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। तो ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस वाले सेक्शन में मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 27/13 टू गेट -3/7 इज। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन वो हमें सीधे देखने से पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा हमें उसको सोल्व करना पड़ता है। तो सोल्व करने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ से, द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए और जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए उससे हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो हम उस नंबर को एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया 27/13 और -x = -3/7, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका -3/7, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/7 -3/7 इधर जा चला जाएगी, 27/13 और ये +3/7 = x, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, इनका एलसीएम लिया तो यहाँ से एलसीएम लिया तो 91 आ गया। अभी 91 को इससे डिवाइड करते हैं 7, और इसको 27 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते 27 और मल्टीप्लाई 7, 7 × 7 = 49 और ये 7 × 2 = 14 और ये 4 × 18 हो गए, 189 आ गए, 189 प्लस। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 13 को 3 से तो 39 आ गया, ठीक है। तो जब इनको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आता है 228/91, ठीक है। जिनको ऐड करके देखते हैं तो इतना आ जाएगा आपका, और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन आपका ए मिल जाएगा आपको, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमें राइट आंसर का पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 228/91, तो ये ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम लोग अपना ये पहले वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b इज। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपको जो न्यूमरेटर होता है उसका साइन चेंज करना होता है। तो अभी ये माइनस का साइन है इसके साथ, ए के साथ, तो ये प्लस का साइन करना है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए अपॉन बी आना चाहिए, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया तो ये माइनस था तो ये प्लस का हो गया, तो ए अपॉन बी इसका आंसर होना चाहिए। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ये ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको, ए अपॉन बी। ये बी अपॉन ए नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये यूं का यूँ दे दिया एडिटिव इनवर्स का ये वाला, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई आपको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको देखने से ही पता चल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी जैसे ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -24/36 इज़ ए रैश नंबर विद डिनोमिनेटर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग -24 और 36 को इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आता है वो देख लेते हैं, रैश नंबर आता है वो भी। तो 12 से काट देता हूँ, 12 2 जा और 12 3 जा, तो आपका ये आ गया -2/3, तो ये रैश नंबर है। तो ये कह रहा है कि ये जो रैशनल नंबर है उसमें डिनोमिनेटर क्या है, तो इसमें डिनोमिनेटर कितना आपका 3 है, डिनोमिनेटर कितना इसमें 3 है, तो विद डिनोमिनेटर, तो इसमें आपका जो डिनोमिनेटर कितना आया 3 आया, तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना था सोल्व करके, और इसका जो डिनोमिनेटर वो आपको पता लगाना था। तो डिनोमिनेटर इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा, तो यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। और अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टूडेंट्स चार स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं, इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट को देख लेते हैं,
एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी फ्रैक्शंस होती हैं वो रैशनल नंबर होती हैं, ठीक है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है क्योंकि हमें उस स्टेटमेंट को पकड़ना है जो फॉल्स है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता फॉल्स स्टेटमेंट को पकड़ना में। अभी एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, एवरी रैशनल नंबर, प्रत्येक रैशनल नंबर है वो एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये बात गलत है कि सारे के सारे रैशनल नंबर हैं फ्रैक्शन होते हैं, ये बात गलत है। जैसे मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे -2/3, तो ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, तो आपका ये बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। और आपका ये डी ऑप्शन क्यों नहीं है, इसमें इसमें ऑल ऑफ दीज दे रखा है, ऑल ऑफ दीज, ये कह रहा है कि इसमें सारे फॉल्स हैं, ठीक है, तो सारे तो फॉल्स नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ से इसका इस तरह से देखते हैं हम सारे स्टेटमेंट को, सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन बी को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा। ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 1/3 इज, तो 1/4 और 1/3 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कैसे कर पाते हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। जैसे पहले वाला है वो आपको करना है, तो जैसे हमने 1/4 और 1/3 इसको ऐड किया और मैं बाहर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इनके बीच में एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से 1/2 और मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ से 3+4 तो ये 1/2 और मल्टीप्लाई 7/12, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7/ कितना आ गया, ये 24 आ गया, तो 7/24 तो इनके बीच में लाई करेंगे क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर है उनको दोनों को ऐड करके अगर 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनके बीच में एक रैशनल नंबर हमें मिल जाता है। तो 7/24 ये तो सही है, ये भी रैशनल नंबर है इन दोनों के बीच में, ये तो ठीक हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, जैसे हमारा ये इसको ये पॉइंट में दे रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से करने के लिए, जैसे 1/4 है तो 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1/4, तो यहाँ से इसको मैं ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करते तो नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, ये 25/100 आ गया, तो ये आपका क्या था ये, ठीक है। उसके बाद ये 1/4 को, अभी 1/3 को मैं करता हूँ, तो 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं यहाँ से 100 से कर देता हूँ, ठीक है, 100/3 से कर देता हूँ, ऊपर भी 100/3 और नीचे भी 100/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 100/3 और इसके अपॉन में भी 100 आ गया, ठीक है, ये तो हो गया। ये अभी हम देखते हैं कि यहाँ से इसके भी अपॉन में 100 और इसके भी अपॉन में 100, तो ये इसको जैसे 100/3 को मैं लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 33.33 लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये आ गया। ऐसे 25 और 33 के बीच में ये नंबर आता है ना, 25 और 33 के, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 29/100 लिख सकते हैं, इसको 29/100 लिख सकते हैं, तो ये तो 1/4 का तो 25/100 आ गया, इसका 33.33/100 आ गया, तो 25 और 33 के बीच में 29 आता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद 13/48, तो 13/48 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से आपका इनके बीच में 7/24 है, और जैसे मैं इसको लिखता हूँ 1/4 और 1/3 को लिखता हूँ, और तीसरा नंबर आपका दे रखा है 13/48, तो इसमें 48 मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 48 इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे 48 आ गया, इसको 48 कर दिया और यहाँ तो 48 है ही, ये तो 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम ये हो गया तो इसका ये आपका आ गया कितना, इसमें 12 आ गया, यहाँ से इसको किया तो 16 आ गया, तो ये 12/48 16/48 ये 13/48, तो ये इसके बीच में आ गया ना, क्योंकि 12 और 16 के बीच 48 इसके नीचे, तो 12 और 16 के बीच में 13 आ गया, तो ये वाली फ्रैक्शन यानी ये वाला रैशनल नंबर भी 1/4 और 1/3 के बीच में आ सकता है। और इसमें लास्ट में दे रखा है ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज वाला ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जितने भी ये आपके रैशनल नंबर दिए हैं ये सारे के सारे इनके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, रिवाइज MCQ, जो आपको MCQ दिए गए हैं उनको आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।